हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग संध्या न्यू लाइफ स्टाइल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैंने साथ ही पत्ते पानी में डाल दिया था और कितने फ्रेश लग रही है आज। आज इसका पानी भी चेंज कर दिया मैंने। और जो घर के फंक्शंस थे वो हो गए ख़त्म। तो चलिए अपनी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको वापस पैक कर देते हैं। पूरे घर में फैली हुई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा लाओ से आज पैक कर देते हैं। और आज मेरी पीयू ने मेरी काफ़ी हेल्प की। और ये देखिए, पता मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ना रुई में रखो, वो बहुत दिनों तक चलती हैं। और पहले मैं ऐसी रख देती थी ना डिब्बे में, तो वो काली पड़ जाती थी। लेकिन जब से मैंने इस टिप को अपनाया ना, पता है काफ़ी यूज़फुल टिप है ये, तो आप ही जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये बच्चों का बॉक्स है, बच्चों के ब्रेसलेट और कड़े मैंने रुई से ही मैंने इसको कवर करके रख दिया है ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक रहे।
शाम का टाइम हो चुका है, काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को ऑर्गेनाइज़ करते करते। फाइनली सब कुछ हो गया है, तो अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए उपमा। सर्दियों का सीज़न है तो इस समय मटर आ रही है, तो सूजी भून ली हम लोगों ने और तेल डाल के मैंने तड़का भी लगा दिया है। उड़द की दाल, चने की दाल, थोड़ा सा प्याज डाल दिया था काट के। कड़ी पत्ता भी हो नहीं रहे मेरे, तो मैंने वो नहीं डाला है। विंटर सीज़न चल रहा है ना, इसलिए मैं अभी विंटर में मेरे कड़ी पत्ता नहीं आते। और मैंने डाल दिया है साबुत मिर्च और आलू मटर, मैंने अच्छे से इसको भून लिया है सब कुछ। और उसके बाद डाल दिया है नमक और थोड़ी सी राई। और ये लीजिए, मैंने पानी डाल दिया है, आलू पक गए थे मेरे, मैंने आलू डाल दिए हैं। अब चलिए इसको पानी डाल के और बॉयल कर लेते हैं। और ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, मैंने थोड़ा सा डाल दिया घी जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। और एक नींबू डाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा उपमा ना थोड़ा सा खट्टा रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसमें डाल दिया अब सूजी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठली ना पड़े। और ये देखिए हमारा उपमा बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने ऊपर से डाल दिया हरा धनिया।